आसाम के तिनसुकिया जिले के रात में आसाम के उग्रवादी संगठन उल्फा और आसाम पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस प्रभारी भास्कर कलिता शहीद हो गए और 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं आसाम के उग्रवादी संगठन अल्फा को भी पुलिस ने मार गिराया है। प्रभारी भास्कर कलिता के साथ गए 2 पुलिस कर्मचारी और अल्फा के साथ हुई एक मुठभेड़ में पुलिसकर्मी के मारे गए। उनके पार्थिव शरीर को लाकर संपूर्ण सामरिक मर्यादा से उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां असम आरती के संचालक प्रधान डीजीपी कुलधर सिंह ने किया तथा और काफी असम आरसी के पुलिस दल भी उपस्थित थे। सभी की आंखों में श्रद्धांजलि देने के लिए और भावहीन विदाई के आंसू थे। हुई इस मुठभेड़ में 2 अल्फा के लोग केदार और लेडी केदार भी की भी मौत हो गई। থানা ওসি হিসাবে কার্যকাল করেছিল আর ডেট অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসলে 30/3/2008। বয়স হয়েছিল 35 years 10 months 3 days আর লেন্থ অফ সার্ভিস আসলে 10 বছর 1 মাস 4 দিন। আমি এজন দক্ষ বিষয়াক হেরুয়া লোক। আমি হেরুয়ায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত। আমি আজিয়ের সভাত অমর আত্মার প্রতি সন্মান জানাই পরিয়ালর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিলো আর আত্মায় যাতে শান্তি পায় সে আশা করে পেলায় মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। আসাম সে দীপ জ্যোতি কি রিপোর্ট।